बीएससी पार्ट थर्ड में अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। यूनिट यूनिट फर्स्ट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें अपन पढ़ रहे थे सीएफएससी के या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें चौथा जो आपका कारक था लिगेंड से संबंधित कारक, लिगेंड से संबंधित कारक। फर्स्ट मैंने कल बताया था आपको, और जो पहला जो था वो आपको था कि जो लिगेंड है वो आक्रमण किस तरीके से करते हैं सेंट्रल मेटल एटम पर, या कितने लिगेंड आक्रमण करते हैं, तो क्रिस्टल सेक्ट स्टेबिलाइजेशन एनर्जी किस तरीके से इफेक्टेड होती है। आज का जो टॉपिक है इसका सेकंड वो ये है कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो भी लिगेंड जो मेटल है उसके डी कक्षकों को किस तरीके से इफेक्टेड करती है, या यूँ कह सकते हैं कि इफेक्टेड करने के साथ साथ क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान जो होता है वो किस तरीके से प्रभावित होता है। तो आज पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी, इस स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी में क्या है कि जो ऐसी श्रेणी जिसमें जो लिगेंड होते हैं उसकी प्रबलता के आधार पर उनको अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित करने के बाद प्राप्त जो श्रेणी है वो कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, जैसे मान लो कि कोई प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो उसमें मेटल आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, और ज़्यादा प्रतिकर्षण होने के फलस्वरूप क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है अधिक प्राप्त होता है। और यूँ कह सकते हैं कि जैसे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, अब मेटल के डी कक्षक और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उनके मध्य प्रतिकर्षण कम होने के कारण जो आपके सीएफएससी का मान है वो क्या हो जाता है कम प्राप्त होता है। तो लिगेंड को क्रिस्टल फील्ड के आधार पर, जैसे मान लो कोई लिगेंड है उनको क्रिस्टल क्षेत्र के आधार पर क्रम में, मतलब कि घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करने के बाद जो प्राप्त जो श्रृंखला है श्रेणी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। इस सीरीज में उनको लिगेंडों को क्रिस्टल क्षेत्र फील्ड के आधार पर घटते क्रम में क्या किया जाता है व्यवस्थित किया जाता है। तो इसमें इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में मेटल आयन और लिगेंड के मध्य प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में कोई भी जो लिगेंड है, या तो दो टाइप के होते हैं लिगेंड, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में मेटल आयन व लिगेंड, मेटल आयन और लिगेंड जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य इलेक्ट्रॉन्स के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण लगता है, और प्रबल प्रतिकर्षण लगने के कारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है लगता है। अतः है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान अधिक प्राप्त होता है।
अब ये तो हो गई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में, और सेकंड क्या है कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में मेटल आयन और लिगेंड अर्थात डी इलेक्ट्रॉन्स के मध्य प्रतिकर्षण कम लगता है, अतः क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ऊर्जा का मान भी कम प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो उस समय मेटल आयन और लिगेंड के मध्य इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण लगने के साथ साथ में स्प्लिटिंग होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। स्प्लिटिंग ज़्यादा होने के साथ सी का मान ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि वीक फील्ड लिगेंड है तो उस समय मेटल आयन और लिगेंड के डी कक्षकों के मध्य रिपल्शन कम लगता है, इसीलिए सी का मान क्या होता है, कम प्राप्त होता है। किसी भी लिगेंडों को किन्हीं लिगेंडों को क्रिस्टल क्षेत्र जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो यूं कह सकते क्रिस्टल क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्राप्त श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कि उनकी जो घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो प्राप्त जो सीरीज आएगी वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। जैसे साइनाइड है CO है, या फिर और भी कोई भी NO2 है, बाइपीरिडीन है, या फिर SO3- है, NH3 है, SO3- NH3, ये अमोनिया लिगेंड है जो लगभग पीरिडीन के कैसा होता है, लगभग बराबर होता है पीरिडीन। पीरिडीन के बाद वाटर है, OH है, फ्लोरीन है, SCN या वाटर है, OH- है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या फिर ये हेलोजन है। ये जो है श्रेणी है इसके घटते क्रम में सबसे वीकेस्ट I- है, या यूँ कह सकते कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है, कार्बोनिल है, साइनाइड है, बायपीरिडीन है, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये जो श्रेणी होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। तो एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, तो आपको इस तरीके से इसको डिफाइन करना है। जो इसका तीसरा जो रीजन है, कारण है, उसमें आता है बैक बॉन्डिंग, पस्य बंधन। पस्य बंधन क्या है कि मेटल आयन और लिगेंड के मध्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन बंध का बैक बॉन्डिंग या पस्य बंधन के रूप में होता है, पस्य बंधन। तीसरा बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। पस्य बंधन क्या है कि जैसे मान लो कि जब लिगेंड केंद्रीय तत्व आयन पर आक्रमण करता है तो लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षक तथा धातु के
जब जैसे मान लो कि कोई भी मेटल है या फिर केंद्रीय धातु आयन है तो उस पर लिगेंड आक्रमण करेगा, तो जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन पर केंद्रीय धातु आयन पर जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन पर आक्रमण करता है तो लिगेंड के अब जैसे मान लो कि जो अटैक एक तो फ्रंट ऑन होता है सामने से आक्रमण होता है और एक पीछे से आक्रमण होता है तो लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षक तो आक्रमण क्या है कि टू टाइप से हो सकता है, आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है। तो जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन पर आक्रमण करता है तो लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षक तथा धातु के रिक्त कक्षक रिक्त कक्षकों में आपस में क्या होती है अतिव्यापन होता है। रिक्त कक्षकों कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग अतिव्यापन होता है। इस अतिव्यापन के फल स्वरूप क्या है सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो बैक बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि तथा मेटल आयन का पूर्ण पूरित डी कक्षक तथा मेटल आयन का पूर्ण पूरित कक्षक जब मेटल आयन का पूर्ण पूरित कक्षक पार्टिसिपेट करेगा डी कक्षक तो लिगेंड के रिक्त विपरीत बंदी अणु कक्षक तथा लिगेंड के विपरीत अणु कक्षक इसके मेटल आयन के तो पूरे भरे कक्षक और लिगेंड के विपरीत या यू कह सकते एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आपस में समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं आपस में सम पार्श्विक अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन के बाद क्या होगा आपके पाई बॉन्ड का निर्माण होता है और इस पाई बॉन्ड के निर्माण से बनने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है बैक बॉन्डिंग कहलाती है। तो कक्षक तथा लिगेंड के विपरीत अणु कक्षक आपस में समपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अतः पाई बंद के इस निर्माण की प्रक्रिया को के निर्माण की प्रक्रिया को बैक बॉन्डिंग कहा जाता है या पस्से बंधन कहा जाता है। बैक बॉन्डिंग कहा जाता है या इसको क्या कह सकते हैं पस्से बंधन कहा जाता है। पस्से बंधन का निर्माण होने पर ये जो पस्से बंधन हो जाएगा पस्से बंधन के निर्माण के बाद होने पर धातु लिगेंड बंध सामर्थ्य में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो पस्से बंधन के बाद धातु लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण CFSE का मान बढ़ जाता है। तो ये सारी जो है वो कहलाती है बैक बॉन्डिंग यानी कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन पर आक्रमण करता है तो लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षक
और धातु के रिक्त कक्षक आपस में अतिव्यापन कर उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं तथा मेटल आयन और लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षकों के मध्य का निर्माण कर लेते हैं। रिक्त कक्षक या लिगेंड के विपरीत एंटीबॉन्डिंग कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। और कौन सा अतिव्यापन करते हैं? समपार्श्वीय अतिव्यापन, कोलेट्रल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग के बाद कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है? तो जैसे मान लो कि आपको बताया जाए कि कैसे इसकी ओवरलैपिंग होती है, तो मेटल आयन के रिक्त डी कक्षक, ये मेटल आयन है और ये लिगेंड है, लिगेंड इसके पूर्ण पूरित कक्षक और मेटल का रिक्त कक्षक, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये मेटल है और ये लिगेंड है। इसके बाद कौन सा बंध बनता है? अतिव्यापन के बाद कैसा बंध बनता है? अतिव्यापन कर उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन पर आक्रमण करता है तो लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षक धातु आयन के रिक्त कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग के बाद उप सहसंयोजक, उप सह है संयोजक बंध का क्या होता है? निर्माण होता है तथा मेटल आयन का पूर्ण पूरित कक्षक और लिगेंड के विपरीत एंटी बॉन्डिंग रिक्त कक्षक आपस में कोलेट्रल या साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे मान लो कि ये मेटल है, ये डी कक्षक है, इस तरीके से ये लिगेंड है, इसके ये कक्षक है, तो इनके मध्य ये ओवरलैपिंग होगी, इनको बोला जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। और मेटल आयन के पूर्ण पूरित कक्षक और लिगेंड के रिक्त एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ABMO एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल लिगेंड के और मेटल के पूर्ण पूरित कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं? बैक बॉन्डिंग, पीछे बना, इसीलिए इसको बोला जाता है पस्से बंधन या बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो फुली फील्ड डी ऑर्बिटल है, ये फुली फील्ड डी ऑर्बिटल किसके हैं? मेटल के हैं, मेटल या धातु के डी कक्षक हैं। तो ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। कुछ CFT की लिमिटेशन है, वो क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। तो ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ ओ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है उसकी भी लिमिटेशन है, जैसे VBT की थी। तो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्या मानता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम है या फिर लिगेंड है उसको पॉइंट चार्ज के रूप में मानती है। तो पहला तो क्या है कि ये सेंट्रल मेटल आयन तथा लिगेंड को बिंदु आवेश के रूप में मानती है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड क्या मानती है? पॉइंट चार्ज। सेकंड जो है, जैसे मान लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसके बारे में भी इसने दिया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और या यूँ कह सकते हैं कि एस व पी ऑर्बिटल्स का कोई, एस और पी ऑर्बिटल का कोई महत्व नहीं होता इस कंसेप्ट में, या यूँ कह सकते हैं इनको कोई महत्व नहीं देती इस थ्योरी में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार लिगेंडों को घटते क्रम में लिखा है, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज में इनको
लिगेंड्स को घटते क्रम में व्यवस्थित किया, अर्थात लिगेंड प्रबल है तो क्यों है, दुर्बलता के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। तो ये जो थ्योरी है, ये लिगेंड की जो स्टेबिलिटी है और जो कोई लिगेंड है वीकर है तो क्यों है, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं देती है। और भी इसके कोई सारे लिमिटेशन है। तो ये जो यूनिट है, इसका लास्ट टॉपिक है ये। कुछ कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो मैं नोट करवा देता हूँ, तो जल्दी से आप उनको नोट शॉर्ट नोट देना है। पहला है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है। सेकंड, सीटी स्पेक्ट्रा क्या है एंड डीडी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। थर्ड है आपको CFSE4 ऑक्ट्राइडल एंड टेट्रा हाइड्रल एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस फोर्थ क्वेश्चन है आपका CFT एंड VBT की लिमिटेशन। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका जो पिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार संकुलों में रंग एवं स्पेक्ट्रम व्यवहार की व्याख्या। और जो सिक्स क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है या CFSE की वैल्यू निकालनी है आपको, की गणना कीजिए। D1, D4, D5 या D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ये चैप्टर कंप्लीट यही समाप्त होता है। और किस तो ये कंप्लीट चैप्टर हो गया। इसके बाद आगे जो यूनिट है इसकी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।